हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एग्रीगेट फॉर्मूले एंड सब टोटल फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा देता हूँ, नेम एंड सेल्स, तो ये टोटल करने के लिए यूज की जाती है, जिसमें सम, काउंट, मैक्स, मिनिमम, मैक्सिमम, ऐसे फॉर्मूले दोनों फॉर्मूले में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें दोनों में एक अंतर है, उस अंतर को हम आपके साथ डिफरेंस करेंगे। पहले वन बाय वन में दोनों फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं दोनों का जो डिफरेंस है और बेनिफिट्स है मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले जानिए कि मुझे यहाँ जरूर दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल किया, तो टोटल में जनरली आप लोग क्या करते हैं, सम, काउंट, मैक्स, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ से। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब डेटा के अंदर आप फिल्टर करते हैं, यहाँ पे आपके सामने मैं डेटा को फिल्टर करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं डेटा को यहाँ अमर कर दिया, तो यहाँ अमर 39 दिख रहा है। अगर मान लीजिए अमर और अमित और इंदर तीन ले लिया मैंने, तो यहाँ आपको इसका टोटल जो है आपका 235 है, बट यहाँ पे 933 दिख रहा है, मतलब ये कंप्लीट टोटल दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो हम डेटा फिल्टर करें, जो विजुअल हो रहा है, हम उसी का टोटल यहाँ देखें। तो चलिए इसका हम बताते हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे सब टोटल। सब टोटल फॉर्मूले में चूज है कि आप काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। तो मुझे सम करना है, तो सम को पे कर्सर ले गया एरो की से और टैब से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा किया और फिर अपने डेटा को हमने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे मेरा टोटल अभी दिख रहा है 933, क्योंकि ओवरऑल डेटा हमारा अनफिल्टर है। तो अब इस पे हम क्या करते हैं कि कुछ नाम्स को फिल्टर कर देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको 267 दिख रहा है, जो कि विजुअल्स जो हमारे सेल्स हैं, विजुअल्स जो रोज हैं, उनका टोटल दिख रहा है। तो सब टोटल फॉर्मूला जो है सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज वगैरह निकालता है, लेकिन सिर्फ विजुअल्स कॉलम्स की, जी हाँ, सिर्फ विजुअल्स कॉलम्स की निकालता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एग्रीगेट फॉर्मूला लगाते हैं। तो एग्रीगेट फॉर्मूला का भी काम सेम ही है। अगर मैं यहाँ पे एग्रीगेट फॉर्मूला लगाऊँ, बस एग्रीगेट फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमारे डेटा में कोई एरर है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर डेटा में एरर आया तो फिर रिजल्ट एरर आएगा, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला अगर एरर रिसीव करता है तो वो अपना फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं करेगा, वो एरर ही आउटपुट कर देगा। ये सिंपल सा मेथड है। बट सब टोटल फॉर्मूला भी सेम ऐसे ही रिसीव करता है। एग्रीगेट फॉर्मूला अगर लेते हैं, तो एग्रीगेट फॉर्मूले में आप चूज कर सकते हैं कि क्या इग्नोर करना है। तो मैंने चूज किया इग्नोर हिडन रो एंड एरर, और हमने इसका नंबर सेलेक्ट कर लिया टैब से, और उसके बाद हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए 857 दिख रहा है, जी हाँ 857। अब मैं इसको फिल्टर करता हूँ तो भी यहां से विजुअल सब टोटल की तरह ही वर्क करेगा, बट एरर को इग्नोर कर देगा। तो यहां देखिए 235 आ गया। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, सब टोटल और एग्रीगेट फॉर्मूला दोनों सेम फॉर्मूले हैं, सेम तरीके से परफॉर्म करते हैं। बट एग्रीगेट फॉर्मूले में क्या है कि आपके पास एरर को स्किप करने के लिए, अब क्या स्किप करना है इसको चूज करने की फैसिलिटी दी गई है, सब टोटल में नहीं दिया गया है। बट एग्रीगेट फॉर्मूला हमारा नया फॉर्मूला 2016 ऑनवर्ड है, लेकिन सब टोटल फॉर्मूला आपको 2037 से ही मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह की डेली वीडियोज अपडेट करता हूं, और मेरे चैनल पे अभी तक 5000 से ऊपर वीडियोज हैं, जिसको आप देख के एक समय कुछ नई और कुछ डिफरेंट चीजें सीख सकते हैं। मेरा मोबाइल ऐप भी है, तो आप मेरा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, या फिर प्ले स्टोर पे सर्च करें एक्सल MIS ट्रेनिंग। जी हाँ, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए।
प्ले स्टोर खोलिए, प्ले स्टोर पे आप एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सर्च करेंगे तो मेरी चीज आ जाएगी, मेरी ऐप आपको दिख जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी ले सकते हैं।